कुछ इस तरह से चढ़ाई है जी गंगा चोटी की, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा। हमें ब्रेक कम से कम लगानी पड़ रही है अगर हम अच्छा जी, ये गाड़ी है हमारी इस वक्त भी अपने मैनुअल में है, फर्स्ट सेकंड में हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि हम लोग सुदनगढ़ी आ गए, तो अब हम आगे जा रहे हैं गंगा चोटी की तरफ। तो आपको बीच बीच में मैं रास्ता भी दिखाऊंगा, बात भी करूंगा, तो टाइम लैप्स भी होंगे और आगे जाके फिर आपको गंगा चोटी का सारा पता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो अब हम अपना सफर करते हैं शुरू। चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो हमने अपनी गाड़ी जो आल्टो है इसको मैनुअल में कर दी है और पहले सेकंड में ही चढ़ा रहे हैं। वैसे चढ़ रही थी पर झटका जब डाउन शूट करती थी तो झटका बहुत ज़्यादा ले रही थी, और जैसे अभी ये 20 से ऊपर गए तो फिर दूसरा लग जाता था, तो यहाँ पे आगे जब पहला लगता था तो झटका लेती थी, तो हमने इसको मैनुअल पर किया है। अब आगे जाके यहीं से इसका दूसरा गियर लग रहा है, और ये पहले दूसरे वाली चढ़ाई है। उतरते भी अगर आपने कोशिश करनी है कि जब जिस गियर में चढ़ें उसी गियर में उतरें, क्योंकि चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, तो उतरते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। अभी थोड़ी सी चला के अभी वाले साहब इसको फिर ये नीचे करेंगे तो ये सेकंड गियर लग गया, तो इसी तरह हम तकरीबन ऊपर जाएंगे। ये है गंगा चोटी, ये सामने ऊपर जो है ये इसका टॉप है। टॉप पे हम नहीं जा सकेंगे, उसकी वजह है कि हम लोग थके बहुत हुए हैं, और ये अच्छी खासी वॉक है, ये हाइक है, ट्रैक के लिए वो वहाँ ऊपर जाना है। तो ये गंगा चोटी है और यहाँ पे आप अपनी किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास 4x4 हो। हम आल्टो पे आए इसीलिए थे कि दिखा सके कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी जो है आप उसे आसानी से लेके आ सकते हैं, बस आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी किस तरह चलानी है। बाकी यहाँ पे लाजमी आए, बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह है, और अभी ये इतनी फेमस नहीं हुई है इस वजह से यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा नहीं आते, लोग दूसरे नीलम वैली की तरफ जाते हैं। पर जो जेलम वैली है ये भी देखने वाली है। बाकी अब मैं आपको इसके कुछ सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, कुछ टाइम लैप्स दिखाता हूँ, उसके बाद वापस चलते हैं। ये था जी गंगा चोटी, अब चलते हैं वापस अपने होटल में। अच्छा जी, ये गाड़ी अब हमारी इस वक्त भी अपने मैनुअल में है, फर्स्ट सेकंड में उतार रहे हैं, और अब ये देखिए यहाँ पे अब जैसे अब उतर गए तो ये ब्रेक से पैर उठा लेंगे और गाड़ी जो है सेकंड गियर में है, खुद ब खुद गाड़ी जो है आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है इस तरह। अगर अब यहाँ पे अगर पहला गियर कर दे तो फिर जो इंजन है वो फटने वाला हो जाएगा, इसलिए हम सेकंड गियर में चढ़े थे, फर्स्ट सेकंड में ही उतरेंगे। उससे ये होगा कि फिर ब्रेक भी कम से कम लगेगी और इंजन पे भी कम से कम लोड पड़ेगा। ऐसे डी में चलाए तो फिर उतरते हुए तीसरा गियर हमारा धक्के से लग जाएगा, इसमें यह क्या हमारा दूसरा गियर सेकंड गियर या फर्स्ट गियर में हम चला रहे हैं, हमें ब्रेक कम से कम लगानी पड़ रही है। अगर हम डी में चलाएंगे तो हमारा तीसरा गियर लग जाएगा, उतरी हमें ब्रेक मारनी पड़ जाएगी। कुछ इस तरह से चढ़ाई है जी गंगा चोटी की, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये रास्ता, इस तरह ऊपर चढ़ते चढ़ते तो आप वो ऊपर टॉप पे गंगा चोटी है, इस तरह जाते हैं। वो सामने से हम आए थे, अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, और ये इस तरह चढ़ाई है जो ऊपर को चढ़ती है, कहीं की जगह बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो ये क्या यहाँ पर आप आ सकते हैं अपनी गाड़ी पर, कोई ऐसा मसला नहीं, रोड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके
ओके जी, मैं अपने रूम में आ गया हूँ। कुछ इस तरह का रूम है आज हमारा, जहाँ हमने स्टे लिया है। और तकरीबन सुदन वैली से जो गंगा चोटी है वहाँ जाते हुए आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगता है, और जो सफ़र है वो सुदन गली से जो गंगा चोटी का है वो तकरीबन 5.5-6 किलोमीटर बढ़ रहे, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप आराम आराम से जाए तो आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा, वरना नॉर्मली 15-20 मिनट आपको लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी जगह, यहाँ भी आए जेहलम वैली में, और ये इसमें काफ़ी सारी जगह है जो लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। बाकी ये था हमारा गंगा चोटी का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ड्राइव सेफ, ड्राइव इन स्टाइल विद ड्राइवर स्टॉप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।